डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। मंथली बेसिस पे कौन कौन सी कंपनी है जिसमें पूरा होल मंथ कंसोलिडेशन हुआ है और जिसमें नेरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने मंथली नेरो सीपीआर का एक स्कैनर बनाया हुआ है। इस स्कैनर को आपको मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट ओपन होते ही आपको इसको रन करना है। इससे आपको मंथली बेसिस पे नेरो सीपीआर वाले शेयर्स का लिस्ट मिल जाएगा और जो मंथली बेसिस पे नेरो सीपीआर का जो शेयर आया है उसके हिसाब से हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे जो नेरो सीपीआर के स्कैनर से कंपनीज आया है उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन के लिए एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। कौन सी कंपनी पूरे वन मंथ तक कंसोलिडेट किया है और वन मंथ का कंसोलिडेशन करने के बाद किस कंपनी में ब्रेकआउट आ सकता है वो जज करने के लिए हमने एक स्कैनर बनाया हुआ है जो कि मंथली नेरो सीपीआर स्कैनर है। तो ये स्कैनर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको नोटिस बोर्ड में इसका लिंक मिल जाएगा। इससे आप वो कंपनी जज कर सकते हैं जो वन मंथ तक पूरा कंसोलिडेट किया है, उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आएगा उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये जब आप रन करेंगे तो इसको मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट खुलने के बाद आप इसको स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद पूरा होल मंथ के लिए आपको कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये बड़े टारगेट हम इससे ले सकते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना है तो आप इसके लिए जो वन मंथ का सीपीआर है, मंथली सीपीआर है, या फिर वन डे का कैंडल, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक कंपनी है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें नेरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। तो नेरो सीपीआर का फॉर्मेशन है तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सेटअप है उसमें हमको दो टूल का कॉम्बिनेशन और यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहला है वीवैप और दूसरा टूल है हमारा 20EMA, तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कीजिए, आपको हमारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब वीवैप का लाइन 20EMA के ऊपर निकल जाता है मतलब ये पॉजिटिव हो चुका है। अब पॉजिटिव हो चुका है तो ये तो प्रीवियस मंथ का एंडिंग डे था। अब इस महीने आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल रेड बना है तो फर्स्ट कैंडल में हमको एंट्री नहीं करना है। तो जब भी स्ट्रांग कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, तब हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने एंट्री दिया है तो लेवल है 1968 और ये वन वे इसी महीने सेम महीने में 2188 के आसपास गया है। तो अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा इसमें करीब 15% का मूव वन वे देखने को मिला है। तो नेरो सीपीआर स्कैनर को आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें एंट्री करते समय ध्यान ये रखना है कि जो वीवैप का लाइन है 20EMA के ऊपर होना चाहिए और वहाँ पर एक स्ट्रांग कैंडल का क्लोजिंग होगा तब आप एंट्री करेंगे और जो भी आपका सूटेबल टारगेट है उसके हिसाब से आप पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए सूटेबल टारगेट R2 लेवल होता है, कोशिश करना है R2 लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।